नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स शुरू हो चुका है, जिसमें देश के कोने कोने से जायरीन दरगाह जियारत के लिए अजमेर पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी पाकिस्तानी जायरीनों का एक दल 2 साल बाद अमृतसर से ट्रेन के जरिए अजमेर पहुंचा। बॉलीवुड अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा वाराणसी पहुंची हैं। सानिया ने काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद सानिया ने काशी भ्रमण भी किया और बोली, मैं काशी सिर्फ शांति के लिए आई हूं। जो यहां सुकून एवं शांति है वह कहीं और नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री काशी भ्रमण कर काफी खुश नजर आई। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट देशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना अब विभिन्न भारतीय अनुसूचित भाषाओं में शीर्ष अदालत के फैसले प्रदान करना शुरू कर देगी। पत्रकार राणा अयूब को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अयूब को जारी समन पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने 31 जनवरी तक विशेष अदालत को कार्रवाई स्थगित करने को कहा। बता दें कि एक मामले में गाजियाबाद की अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह फैसला पीएम मोदी पर बने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के बाद मिली धमकियों के चलते लिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को महाराष्ट्र में विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख को बदलने का ऐलान किया है। इसी ने 27 फरवरी को होने वाले मतदान की तारीख को एक दिन पहले यानी 26 फरवरी कर दिया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शाहरुख खान की फिल्म पठान के पोस्टर जलाने का मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल पहुंचकर शाहरुख खान की फिल्म पठान मूवी का विरोध किया। पाकिस्तान आर्थिक संकट से उबर नहीं पा रहा और अब राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। कमल हासन के नेतृत्व वाली पार्टी मक्कल निधि मईन में बुधवार को पूर्वी इरोड उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार EVKS इलागोवन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कमल हासन ने कहा कि राष्ट्रहित में उन्होंने यह फैसला लिया और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।